अयोध्या नगरी राममय बनी चूकी छे त्यारे राजस्थान थी साधु संतो छे पधार्या छे। अयोध्या नगरी खाते अमृत महोत्सव चाली रह्यो छे त्यारे तमामे तमाम लोको छे भक्तिमय माहौल में अत्यारे जोवा मळी रह्या छे। तेमनी साथे ज वातचीत करीशुं। आप बताइए कहाँ से लोग आए हैं, किस तरह से भक्ति भाव में लीन? राजस्थान में मेड़ता सिटी मीराबाई की जन्मभूमि है, वहाँ से हम लोग आए हैं। रामसनेही संप्रदाय दरियाव जी महाराज आचार्य हुए हमारे, उनकी परंपरा से हम संत हैं और यहाँ जो राम जन्मभूमि रामलला विराजमान हो रहे हैं उस कार्यक्रम में हम सब संतों को निमंत्रण दिया है और उसमें सम्मिलित होने के लिए हम सब आए हैं। उत्साह का माहौल यहाँ पर देख, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही उत्साह का माहौल है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में ये जो अवसर हमको प्राप्त हुआ है, सबके मन में बहुत प्रसन्नता है, उत्साह है, खुशी है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहोगे, भक्तिमय माहौल में कितने लोग लीन हो चुके हैं? श्रद्धा, एक प्रकार से श्रद्धा का एक सैलाब है, महासमुद्र जिसमें स्नान कर रहे हैं, एक ज्ञान रूपी समुद्र चल रहा है। महाराज श्री रामभद्राचार्य जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक सागर के समान है, सागर में सब उमड़ रहे हैं और ज्ञान रूपी समुद्र में डुबकी लगा करके ज्ञान गंगा में प्रवाहित होकर के अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित होकर हमें बहुत बहुत प्रसन्नता हुई है। बिल्कुल, बहुत प्रसन्न थया छे। सुकेशो तमाम साधु संतो, सारे साधु संत जो है अयोध्या नगरी में मौजूद। ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर हम सभी शामिल हुए हैं और सभी आमंत्रित संत महात्मा हैं और हम उदयपुर राजस्थान से आए हैं। जी सर, भक्तिमय माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरह से राह देखी जा रही है प्राण प्रतिष्ठा की? यहाँ पर जितने भी संत महात्मा और भक्त लोग पधारे हैं, सभी के हृदय में बहुत उत्साह है। अभी तो अयोध्या ही नहीं, पूरे विश्व में सभी के दिल में प्रसन्नता है कि हमारे रामलला कल गादी पर विराजमान होंगे। इतने वर्षों से जो टेंट में थे वो आज महापुरुष जो राम प्रभु है वो अपने महल में विराजमान होंगे, उसको लेकर के पूरे विश्व में प्रसिद्धि है और बहुत ही प्रसन्नता है सबके दिल में। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, हर भक्त राममय। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि संपूर्ण भारतवर्ष में हम तो उस पीढ़ी से गुजर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने तो मंदिर को टूटते हुए देखा है, लेकिन मैं और हम जैसे युवा आज इतने सौभाग्यशाली कि हम मंदिर को विशाल और भव्य और दिव्य और गगनचुंबी बनते हुए देख रहे हैं, ये बड़ा हमारे गर्व का विषय है। इसलिए हम सभी एक बार ये कहना चाहते हैं कि जय जय श्री राम। बिल्कुल, जय जय श्री राम ना नारा साथे तमाम तमाम लोग अहीं उपस्थित थया छे अने नारा लगाई रह्या छे। खास करीने अयोध्या नगरी ज्यां अमृत महोत्सव चाली रह्यो छे त्यां भक्तों की भीड़ छे, सातो सातो साधु संतो पण मोटी संख्या में उमटी रह्या छे। कैमरामैन प्रदीप साथे धनराज बागले, एबीपी अस्मिता, अयोध्या।